जानते हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के जो जिलाध्यक्ष है चौधरी कालीचरण सिंह जी, इनसे भी जानते हैं कि आज का कार्यक्रम कितना सफल रहा और क्या क्या खूबियां रही और किस तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई। तो ऐसा आज का कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में रखा गया था? आज का कार्यक्रम हमारे ये गांव चंदपुरी में रखा गया, जिसका आयोजन हमारे टी कृष्ण स्टूडेंसी जी के झाड़ू फैक्ट्री उसमें रखा गया था, रखा था ग्रामवासियों ने मिलकर। और ये कार्यक्रम है किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, मजबूत विरोधी नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जो सरकार इनके सबके खिलाफ काम कर रही है उसके सरकार के खिलाफ रखा गया था। और एक सदस्यता अभियान भी था, इसमें स्वागत समारोह भी था, जनसंपर्क भी था। हम जानना चाहेंगे चैनल के माध्यम से अध्यक्ष जी, कितने लोगों ने आज सदस्यता ली राष्ट्रीय लोकदल की? यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता सैकड़ों लोगों ने ली है, जिसमें सब धर्म जाति बिरादरी सब तरह के लोग थे, जिसमें ब्राह्मण लोग भी थे, हरिजन लोग भी थे, सूर्यवंशी भी थे, बघेल समाज भी थे, सब समाजों के आते हैं, सबका समायोजन था, सबने सदस्यता ली। अध्यक्ष जी दूसरी बात जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोकदल का साथ संयुक्त चल रहा समाजवादी पार्टी का, वही जो अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने कहा है कि योगी जी पे तो लैपटॉप ही चलाना नहीं आता, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, योगी जी पे जो आज जिस आदमी ने माला चलाई है वो लैपटॉप के योगी को क्या जाने, अगर वो लैपटॉप के योग को जानते तो इतनी सारी घटनाएं हो रही, इतने सारे बात हो रहे, वही से कंट्रोल कर लेते। अगर चलाना भी जानते हैं तो योगी जी तो खुद तो नहीं जानते होंगे, मेरा जहां तक अंदाज उन्होंने जो आगे पीछे होते हैं लोग चलाते होंगे, और उनसे क्या एक सही राय जब तक नहीं मिल पाती जब तक आदमी खुद किसी चीज को हैंडल ना करे। तो अब मैं वैसे उनकी कोई कार्यशैली पे निशान तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हाँ उनकी जो कार्यशैली जो फेल हुई है, जो कार्यशैली की जो उन्होंने दिखाई थी उसके अनुरूप नहीं चले, मैं उसमें जरूर निशान लगा रहा हूँ। इतना विकास करने के बाद आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने अंबार लगा दिया विकासों का, कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद की है, सड़कें बिछवा दी, लोगों को गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए, तो उनकी कहीं कहीं योजना तो रही है? देखिए, योजना लाना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप इस चीज को विकास कह रहे हो कि हर सड़क गड्ढे हैं, सड़कों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हर आदमी परेशान है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान मजदूर परेशान हाल है, किसी को रोजगार मुहैया नहीं है, किसान को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है, महंगाई इस कदम है चरम पर है, पेट्रोल और डीजल 100 रुपए पहुंच गए हैं, सबसे बड़ा उपभोक्ता किसान मजदूर डीजल पेट्रोल का होती हुई आज उसकी, अगर इसको तुम विकास की यात्रा कहते हो बीजेपी की, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ी नादानी और बचकानी बात है। विकास तो कुछ अलग होता है, जिसको हम लोकदल की सरकार और सपा की मिलकर सरकार आती है, हम दिखाएंगे कि वास्तव में विकास क्या होता है, किस तरीके से दिखा पाएंगे। जहां आपने जिले में एडी से चोटी का दम लगाए हुए, वहीं आपके जयंत चौधरी कहीं भी चैनल के माध्यम से नजर नहीं आते, कहां गायब रहते हैं बताएंगे आप? नहीं, चैनल पर आते हैं, वो सब जगह चैनल पर रहते हैं, लेकिन थोड़ा वो कोरोना की वजह से बीच में उनके हमारे स्वर्गीय अजीत सिंह जी कोरोना की वजह से पीड़ित हो गए थे, वो खत्म भी हो गए, स्वर्गवास हो गया उनका, और उनको भी खुद प्रिकॉशन ही लेना पड़ रहा है। बाकी वहाँ दिल्ली में चैनल का फेस करते हैं, सबको इंटरव्यू देते हैं, वहाँ भी बहुत कार्यक्रम लगे हुए हैं, लोग वहाँ भी जनरल सदस्यता दूसरी पार्टी को इंटरव्यू ले रहे हैं और वो उसमें बिजी हैं, ऐसा नहीं है कि चैनल कोई भी इंटरव्यू जो दे सकता है जाके धमाकेदार इंटरव्यू देंगे। जहाँ बात कोरोना की है आपने, तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो लहर तीसरी क्या, इनका राज रहा तो चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं में कितनी गिनती गिनाऊ आती रहेंगी, क्योंकि इनको जब कोरोना की लहर आई पहली बार, तो इनको पहली साल में इनको कहां, अगर इनके सही तरीके से इंतजाम होते, कोई भी इंतजाम होता, तो जो दूसरी लहर आई है उसमें इतनी बड़ी संख्या में आदमी मरे, इन्होंने पहली बार कोरोना वाली काल से पहली बार समय से क्या सीख ली? लोग दम तोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, लोग दम तोड़ रहे हैं, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, क्या क्या मतलब हुआ, पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स भी नहीं है, लाशों की इतनी दुर्गति हुई कि उनको घर घर ले जाने वाला, घर तक पहुंचे जाने वाला भी कोई उसमें नहीं, और जितनी बेइज्जती लाशों की हुई है कोरोना काल में, गरीब मजदूर ज्यादा इसमें आहत हुए, वही तो संपर्क था, लेकिन उनको बेचारों को अपनी डेड बॉडी का भी दाह क्रिया संस्कार जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से होता वो भी नहीं नसीब हुआ।
तो इनकी क्या व्यवस्था थी? कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। अगर ये सीख लेते तो पहले एक और पिछले साल से लेते तो ये दूसरी साल में दूसरी लहर और तीसरी लहर का वो आती आती नहीं। दूसरी तरफ जानना चाहेंगे जहाँ इजलास में ब्लॉक प्रमुख जी की शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था वहीं सभी मौजूद थे जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी, तो वहां पर आपकी उपस्थिति कैसे दर्जनी इसके बारे में जानना चाहूंगा। किस जगह पे? इगलास ब्लॉक प्रमुख पर आज ब्लॉक प्रमुख ने अपना शपथ ग्रहण समारोह में सभी जिला पंचायत सदस्यों को बुलाया, सभी बीडीसी सदस्यों को बुलाया, तो आपकी उपस्थिति वहां कैसे नहीं लगी इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। हम ऐसे प्रोग्राम में जाके करेंगे क्या जी? जहां पर एक कोई जिला पंचायत सदस्य बुलाए हो, चाहे बीडीसी बुलाए हो, चाहे अन्य कोई सम्मानित सदस्य बुलाए हो, पहली बात तो कोई इस तरह का सम्मानित सदस्य इनके कार्यक्रम में जाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है वहां ये कहेंगे नीम तो नीम कहना पड़ेगा, हम कह नहीं सकते हैं। हम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, हमारे अंदर ये यही नहीं कि हम उनकी हाँ में हाँ कर दें, और उनकी हाँ में हाँ करें तो ठीक है, हम कर नहीं सकते, इसलिए नहीं उनको प्रोग्राम में वो जबरन कराते हैं सारी। हाँ, अंत में यही पूछेंगे 2022 की व्यवस्था क्या होगी? 2022 की व्यवस्था हमारी बहुत सुदृढ़ व्यवस्था है, गाँव गाँव में जाके बूथ मजबूत करेंगे, हमारे नौजवान बहुत सक्रिय हो गए सब जगह, सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह सब पे लगे हुए हैं, और वो अपना पूरी तरीके से क्षेत्र में जाके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, किसानों को समझा रहे हैं। और इस साल सबसे बड़ी खासियत होगी कि हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जिनको बेरोजगार नहीं मिला, और किसानों ने वहां उन्हीं के चाचा ताऊ ने जाके जो हत्याएं आत्महत्या की किसानों ने वोटर बजा के, वो बहुत दुखी है, उसका बदला लेंगे और हम पूरे चुनाव में तन मन के साथ जाएंगे और चुनाव को जीतेंगे। बात किसानों की जाए तो बहुत समय से पुराने समय से धरने पर टिके हुए, लेकिन सरकार पर कोई भी असर किसानों का क्यों नहीं पड़ रहा? नहीं, किसानों पे क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि धरने प्रदर्शन का किसानों पे तो असर है, क्या असर नहीं है किसानों पर? मैंने किसानों पर नहीं पूछा, मैंने पूछा किसानों का असर सरकार पर क्यों नहीं पड़ रहा? सरकार जब सरकार गूंगी बहरी सरकार हो और सरकार पे अगर असर पड़ता तो ये आंदोलन 8 महीने थोड़ी चलता, लेकिन अब असर पड़ेगा आंदोलन का, ये सरकार अब ऐसे नहीं मानने वाली नहीं है जी। इस आंदोलन के द्वारा, जनसंपर्क के द्वारा, जन अभियानों के द्वारा, नुक्कड़ सभाओं के द्वारा राष्ट्रीय लोकदल ने किसान मजदूर के हितों को देखते हुए, नौजवान बेरोजगार नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रण किया है, ये संकल्प लिया है कि 2022 में ऐसी गूंगी और बहरी सरकार को समूल उखाड़ देंगे। अगला सवाल हमारा हुआ कि जहां आप जिलाध्यक्ष बने राष्ट्रीय लोकदल के, क्या आपकी जिले की कार्यकारिणी का गठन हो गया? जिले की कार्यकारिणी का मेरी का अभी बृहस्पतिवार को प्रेस वार्ता है, उसके बाद में शनिवार या इतवार में मेरी कार्यकारिणी तैयार है, मैं डिक्लेयर कर दूंगा मेरे मित्र रूप से सभी के, मतलब अभी सभाएं चल रही है, सभी लोग व्यस्त हैं और अभी कर दे रहे, बृहस्पतिवार को हमारी प्रेस वार्ता हो जाने के बाद में तुरंत। आपकी कार्यकारिणी में कहां किसको और किस चेहरे को जगह मिलेगी जिले में? हमारी कार्यकारिणी में जो वास्तव में कर्मठ चेहरे हैं जी, और जो युवा चेहरे हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, शिक्षित हैं और जनता की भलाई के लिए तत्पर हैं और दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं, जनता के दुख दर्दों को समझने के लिए तैयार हैं, हम ऐसे सब कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को और बड़ों को सबको सम्मान देंगे, सबको तरजीह देंगे, सबको कार्यकारिणी में रखेंगे। आपकी कार्यकारिणी में कहीं ऐसा तो होगा जो सत्ता की मलाई खाने वाले लालची नेता होते हैं, दल को बदल करके मौका देख करके दूसरे दल में पहुंच जाते हैं, क्या ऐसे लोगों को भी आप जगह दे पाएंगे? नहीं, हम अभी इस तरह का तो किसी के ऊपर नहीं, लेकिन बहुत छानबीन करके और बहुत उस तरह से हमें इसी वजह से हम थोड़ा लेट हुए कार्यकारिणी गठन करने में, हम लेट भी नहीं कह सकते हैं, ये बीच में टाइम नहीं मिला अपने उसमें प्रोग्राम में और इनमें ही लगे रहे हम, बाकी प्रेस वार्ता हो जाने के बाद में लगेंगे, और हम कोई मलाईदार या इस तरह के हमारे यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, कार्यकारिणी हम गठन उसी तरह का करेंगे जो वास्तव में कार्यकारिणी ऐसी बनेगी कि लोकदल के प्रति 100% समर्पण की भावना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमें जरूर शेयर करें, लाइक करें, राम राम, द्वाश राम, जय हिंद।